कृषा क्या कर रहे हो? छोटी मौसी लगाई थी। क्या अच्छी लगती है? लिपस्टिक लगाई थी छोटी मौसी। तो आप ही लगा रहे हो? पर आप तो बच्चे हो ना। मैं बड़ी। Hey guys, welcome back to my channel Titli. I am Priyanka और आज का जो वीडियो है वो मैंने स्पेशली हमारे जो टीनेजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये मेकअप वीडियो शूट किया है, बिकॉज मुझे काफी मैसेजेस आए थे फ्यू मंथ्स अगो कि आप कुछ टीनेजर मेकअप लुक शेयर करिए। बहुत वेडिंग्स आती है, बहुत ओकेजन्स में you know, हमें मेकअप करना होता है, बट फर्स्टली बजट कॉन्स्टेंट होते हैं एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर मदर्स डोंट अलाउ देम एंड आई कैन टोटली रिलेट टू दिस कि प्राइस रेंज को कंसिडर करते हुए इस वीडियो को बनाया है। एंड इस वीडियो को आप सभी वो लोग देख सकते हैं जिनको बहुत मिनिमम मेकअप करना होता है, जिनके पास मेकअप प्रोडक्ट्स भी कम होते हैं। एंड ओके, सो मेक श्योर इफ यू आर न्यू हियर यू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वहाँ जो आपको रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे आपको क्लिक कर वो एक थम्स अप दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। Don't forget to hit that notification bell so that you don't miss any of my interesting videos like this. Right now you can see my face. कुछ मेकअप नहीं है, स्किन केयर भी मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है फिलहाल। So सबसे पहले हम अपना मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। So I'm using this Nivea soft moisturizer. So yes, let us apply this. मॉइस्चराइजर के बाद ऑलवेज मेक श्योर कि आप कम से कम 1 मिनट तक मॉइस्चराइजर को अपना फेस पर you know, सेट होने दें ताकि वो अपने स्किन में अच्छे से आपके बैठ जाए। एंड देन यू अप्लाई योर प्राइमर। प्राइमर के बाद भी मेक श्योर दैट एटलीस्ट यू आर कीपिंग योर प्राइमर फॉर 1 मिनट सो दैट इट you know, आपकी जो पोर्स है उसको फिल इन कर दे, मिनिमाइज कर दे आपका अपियरेंस पोर्स का, और अपना काम अच्छे से कर सके सो दैट यू नो ऑल योर मेकअप दैट यू विल बी अप्लाइंग वो आपकी स्किन को हार्म ना करे। तो चलिए अब हम जंप करते हैं हमारे प्राइमर पे। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं टीनेजर मेकअप में मुझे पता है काफी लोगों के पास प्राइमर नहीं होता है, सो यू कैन डेफिनेटली स्किप द प्राइमर। आई यूज द प्राइमर बिकॉज मुझे प्राइमर की आदत है। सो आप एलोवेरा जेल को इजीली यूज कर सकते हैं एज ए प्राइमर। प्राइमर के ऊपर मैं लगाऊंगी कंसीलर। यस, आई हैव नॉट पिक्ड एनी फाउंडेशन बिकॉज टीनेजर्स को आई वुड रिकमेंड क्या फाउंडेशन को you know, थोड़ा अवॉइड ही करें। फर्स्ट आप बेटर ही कंसीलर लें, और कैसे कंसीलर को यूज कर सकते हैं ताकि आपका फेस इवन टोन्ड लगे, लेट्स सी दिस। तो कंसीलर के लिए आई विल बी यूजिंग NY Bae कंसीलर एंड स्विस ब्यूटी कंसीलर। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे। सो इस कंसीलर को मैं यूज करूंगी अपने जितने भी स्पॉट्स हैं उनको कवर करने के लिए, और इसको मैं यूज करूंगी अपने हाइलाइटिंग कंसीलर के लिए। सो यह है कि आपको अपने डार्क सर्कल जहां पर है, आपके स्पॉट्स जहां पर है, वहीं पर अपने कंसीलर को लगाना है। सो मैं अपने डार्क एरियाज में यानी अपने अंडर ऑफ द आईज और जितने भी मेरे प्रॉब्लमेटिक एरियाज है वहां पर इस कंसीलर को अप्लाई करूंगी। सो आई एम अप्लाइंग इट ऑन जस्ट माई प्रॉब्लमेटिक एरिया जहां मुझे हल्के से स्पॉट्स हैं या हल्का सा कहीं पे पिगमेंटेशन है, तो मैं खाली वहीं पर इस कंसीलर को यूज कर रही हूँ। सो आई वोंट बी यूजिंग एनी फाउंडेशन एज यू नो, हम खाली इस कंसीलर से ही अभी अपना फुल मेकअप करेंगे। आप अपने आईलिड में भी इसको लगा लीजिएगा। सो इफ यू वांट आप एक स्पॉन्ज यूज कर सकते हैं, बट हो सकता है सबके पास you know, ब्लेंडर या स्पॉन्ज की अवेलेबिलिटी नहीं हो। सो आई विल बी यूजिंग माई फिंगर एंड आई विल शो यू हाउ टू ब्लेंड इट विथ योर फिंगर्स। फिंगर्स के लिए आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू प्रेस इट लाइक दिस। आपको अपने कंसीलर को यू प्रेस करना है और यू प्रेस करते हुए आपको आउटवर्ड लेकर जाना है। ओके, उसके बाद आपको अपने अपर लिड पर, अपने आई लिड पर भी इसी तरीके से ब्लेंड करना है। एंड देन आफ्टर डैबिंग आप इसको यू बाहर आउटवर्ड मोशन पे अपने जहां पे भी आपने कंसीलर को लगाया है इस तरीके से उसे अपने फिंगर से यू कैन सी द स्ट्रोक्स देना है ताकि जो कवरेज है वो अच्छे से मिले। एंड आप अगर अपने कंसीलर को फिंगर से ब्लेंड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा और नेचुरल सा कवरेज मिलता है। आपको अपने जो भी फिंगर में आपके कंसीलर बचा होगा उसे अपने स्किन में डैप कर लेना है। ताकि बचा हुआ जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन को इवन टोन बना दे और आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यू कैन सी द कवरेज, ये मुझे काफी नेचुरल कवरेज दे रहा है एंड आप एक टीनेजर हो तो आपको डेफिनेटली इतना ही कवरेज चाहिए, इससे ज्यादा कवरेज आपको नहीं चाहिए होगा। सो यस, यू कैन स्टॉप योर कंसीलर रूटीन राइट हियर राइट नाउ, बट अगर आप थोड़ा सा यू नो हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग कंसीलर। नाउ हाइलाइटिंग कंसीलर क्या होता है? हाइलाइटिंग कंसीलर जो होता है वो आपकी स्किन टोन से एक टोन लाइटर होता है, वो आपके नॉर्मल कंसीलर से एक टोन लाइटर होगा। सो फॉर दिस आई एम यूजिंग माय स्विस ब्यूटी कंसीलर एंड दिस इज माय स्विस ब्यूटी कंसीलर। सो मैं इसे खाली अपने हाईलाइटिंग पॉइंट्स पर लगाऊंगी, लाइक अंडर माई आई। सो यू कैन सी द कलर, वो मेरे स्किन टोन से थोड़ा लाइट है। ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, ऑन माई क्यूपिड बो और हल्का सा फोरहेड पे। देन यूजिंग माई फिंगर आई विल डैब इट लाइक दिस एंड आई विल मेक अ वी। जब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूं मैं तभी एक वी बना लूंगी ताकि ये जो आपका अंडर आई है वो ब्राइटन अप हो जाए। लिड्स के ऊपर भी लगा लूंगी। Without using any sponge or blender, just with the help of your fingers also you can do your makeup very well. So ये धीरे धीरे थोड़ा you know पाउडर्स वगैरह या कॉम्पैक्ट लगाने के बाद सेट हो जाएगा। इट वोंट लुक सो वाइट। आप बचे हुए प्रोडक्ट को अपने नेक पर लगा सकते हैं इवन टोन लगने के लिए। सो हमारा कंसीलर रूटीन हो चुका। अब कंसीलर रूटीन के बाद हम अपने फेस को सेट करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप अपने फेस को सेट नहीं करेंगे स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स तो वो डेफिनेटली क्रीज करेगा और आपका जो भी कंसीलर या फाउंडेशन है वो बह जाएगा। सो यस, आई एम टेकिंग दिस कॉम्पैक्ट। आप कोई भी कॉम्पैक्ट ले सकते हैं जो भी आप यूज करते हो। दिस वन इज सम स्टे क्विर्की। और आपको क्या करना है, आपको डस्ट ऑफ नहीं करना है। यू हैव टू टेक योर प्रोडक्ट लाइक दिस, ओके। उसके बाद आपको इसको अपनी स्किन पे प्रेस करना है अच्छे से। सो आई एम ऑल्सो यू नो यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट अंडर माई आईज, ऑन माई फोरहेड। मैं अपने नेक पे भी इसको लेके जाऊंगी। ये हल्का सा कवरेज भी देता है स्टे क्विर्की का कॉम्पैक्ट, तो मुझे ये काफी पसंद है। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करें तो आपने देखा होगा मैं खाली यही कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ अपने सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स में। So guys, you can see one thing, without foundation also you can do your makeup, because समर्स आ जाएंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप काफी लाइट मेकअप करना चाहते हैं तो आप ये कंसीलर रूटीन यूज कर सकते हैं। अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप आई मेकअप कैसे करें, बिकॉज जो टीनेजर्स होते हैं उनके पास आई शेडो पैलेट्स नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड मेकअप होता है, इधर अ लाइनर और अ काजल। सो आप उससे अपना आई मेकअप कैसे कर सकते हैं जो बहुत ओवर भी ना लगे और यू नो बहुत आपकी मम्मा को भी काफी पसंद आए अगर आप वैसा मेकअप करते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन इधर अप्लाइंग अ ब्लैक लाइनर, यू कैन स्विच टू लिक्विड लाइनर्स और जेल पेंसिल्स डेट आर इजिली अवेलेबल ऑनलाइन और आपको लोकल स्टोर्स में भी मिल जाते हैं। उससे क्या होता है, इवन इफ यू डोंट हैव एनी आई शेडो एटलीस्ट आपकी आई को एक कलर मिलता है, तो आप कुछ भी पहन रखे हो तो वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है अगर आपकी आई लुक थोड़ी सी डिफरेंट हो। सो आप यू नो लिक्विड लाइनर्स इस तरीके के ले सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड NY बे। सो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको शो कर रही हूँ वो सब बिलो 300 हैं, तो इजीली ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली और इजीली अवेलेबल होते हैं। सो फर्स्ट व्हाट वी विल बी डूइंग, मैं आपको एक ग्रीन लाइनर के साथ एक लुक क्रिएट करके दिखाती हूँ, उसी में हम थोड़े चेंजेस भी करेंगे। सो लेट्स सी कि हम किस तरीके का आई मेकअप कर सकते हैं। सो मैं ये NY Bae का लाइनर ले रही हूँ। सो यू डोंट हैव टू मेक अ वेरी यू नो विंग्ड आई लाइनर या कुछ, आपको हल्का सा आई लुक करना है जो आपके आईज को बहुत यू नो ब्यूटीफुल बनाए और बहुत पॉप करे आपकी आईज। सो वी आर टेकिंग दिस यू नो लिक्विड आई लाइनर एंड देन आई विल ड्रॉ अ बेसिक लिटिल फैट आई लाइनर। ओके सो गाइज यू कैन सी डेट मैंने एक फैट आई लाइनर ड्रॉ किया है अपनी ग्रीन लाइनर से। अब लाइकवाइज मैं इस आई पे भी वो लाइनर को ड्रॉ करूंगी एंड देन आई विल शो यू व्हाट एल्स वी कैन डू विद दिस आई लुक। सो यू गाइस कैन सी आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड माय आई लाइनर, अ वेरी फैट ग्रीन आई लाइनर। आप कलर अकॉर्डिंगली अपने चूज कर सकते हैं. यू गेट अ लॉट ऑफ कलर इन दिस रेंज. NY Bae के रेंज में आपको काफी कलर्स मिल जाते हैं. एंड उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, आई एम टेकिंग दिस काजल. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड स्टे क्वर्की विच इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन purple.com. सो अब मैं क्या करूंगी, आई यू नो टाइटलाइन माई आईज एंड आई पुट अ काजल. The help of this finger, जो भी काजल मेरा smudge हुआ है उसे मैं अच्छे से smudge कर लूंगी. You can see how pretty it is looking, very decent also, and at the same time बहुत dramatic भी लग रहा है. So अब मैं इसी तरीके से अपनी दूसरी आई भी complete करूंगी. आई लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं एक मस्कारा यूज करूंगी और मैं आप लोगों को रेफर करूंगी कि आप एक नॉन वाटरप्रूफ मस्कारा यूज करिए, बिकॉज वाटरप्रूफ मस्कारा इज अ वेरी बिग टास्क टू यू नो गेट रिड ऑफ. सो यस, आपके लैशेस को वो काफी खराब भी कर देगा. तो बीइंग अ टीनेजर यूज अ मस्कारा जो वाटरप्रूफ ना. आई एम यूजिंग द मेबेलिन कोलेजन वॉल्यूम मस्कारा. So a big tip for the teenagers, rub your mascara like this. वो जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसके जो टिप है उससे उस एक्सेस प्रोडक्ट को जरूर निकाल दें. यही सबसे बड़ा मैस क्रिएट करता है अपने आपके मस्कारा को लगाने में. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अपनी जो दोनों आई है उसे इस तरीके से बंद कर स्मज करना है. उससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो आपके लोअर लैश लाइन में ऑटोमेटिकली लग जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है अगर आपको अपने लोअर लैश में मस्कारा लगाना हो. एंड नाउ यू हैव टू अप्लाई योर मस्कारा लाइक दिस. यू हैव टू रब इट लाइक दिस एंड यू हैव टू कर्ल इट लाइक दिस. मेरा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो गया है. अब इस वॉन्ड से, इस मस्कारा वॉन्ड में जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसे से मैं अपने आईब्रोज को भी फिल कर लूँगी. इस टेक्निक को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था एंड आई थिंक मुझे वो अब काफ़ी पसंद आ रहा है एंड आई विल बी यू नो डूइंग दिस क्वाइट ऑफन. सो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है. इसका वो जो वॉन्ड है वो छोटा है तो वर्क करना भी काफी इजी हो जाता है मस्कारा आपके ब्राउज को फिल करने के लिए. नाउ कम्स रेस्ट ऑफ अवर मेकअप. सो हियर आई विल बी शेयरिंग दिस SFR पैलेट. मैंने अपने एक हॉल वीडियो में इसे शेयर किया था, उसके बाद ये मेरा काफी फेवरेट हो गया है. इट इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली. आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं. इसमें गाइस आपको ब्लश मिल रहा है, हाईलाइट है, आपको एक ब्राउजर मिल रहा है और एक कॉन्टूर मिल रहा है. सो इफ यू वांट आप इसमें से सब प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं. और अगर आप इतना ज्यादा यू नो मेकअप नहीं करना चाहते, यू कैन डेफिनेटली यूज योर ब्लश एंड हाईलाइट और आप कॉन्टूर स्किप कर सकते हैं. दो आई एम अ कॉन्टूर पर्सन बट टीनेजर्स जल्दी से यू नो अपने फेस को ब्रॉन्जिंग या कुछ नहीं करते. सो आई विल डेफिनेटली स्किप दिस स्टेप but I will use one brush to do my blush and my highlight both. So taking this nice coral color, it has a coral blush in this shade. This is shade 1. So मैं ये blush लूँगी. I'll dust off the excess and then I'll apply it on the apple of my cheeks and going upwards. उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट एक्सेस लग जाए, नो वरीज, आप अपने ब्रश को क्लीन कर लीजिए और उसके बाद यू नो जस्ट स्माइल एंड इस ब्लश को आप एक्सटेंड कर लीजिए अपने चीक्स पर. अप्लाई अ लिटिल ऑन योर नोज. वो बहुत नेचुरल लुक देता है एंड इट लुक्स वेरी वेरी नाइस. सो या आवर ब्लश इज ऑल्सो डन एंड यूजिंग द सेम ब्रश आई विल बी यूजिंग दिस हाईलाइटर. सो इस ब्रश से आप हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, इट इज वेरी वेरी सिंपल. यू जस्ट नीड अ बॉबी पिन. इस तरीके से आपको अपनी जो बॉबी पिन है उसको यूं कर यू नो फैन आउट करना है अपने ब्रश को और ये आपका बन गया फैन ब्रश. यू डोंट नीड टू बॉबी पिन, यू जस्ट नीड वन. अब ये जो है इसको आप जितना भी फैन आउट करना चाहते हैं, जितना भी वाइट बनाना चाहते हैं आप कर सकते हैं. सो इट इज लाइक अ फैन ब्रश नाउ. And I will apply this highlighter. I'll take this on the tip ये थोड़ा सा चौकी हाइलाइटर है, इसको आपको अप्लाई करना है अपने हाइलाइटिंग पॉइंट पे। Now comes the time for your lipstick. So lipstick के लिए मैं use कर रही हूँ ये NY Bae की liquid lipstick. It is very affordable. Prices मैं आपको screen पर सभी के दे दूँगी. So इससे पहले what you have to do is don't forget to apply a nice lip balm because ये काफी matte है तो drying हो जाएगी अगर आपका lips already बहुत dry है. So yeah, first I'll apply my lip balm. मैं इस लिपस्टिक को इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ग्रीन के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन जो है वो काफी अच्छा लगता है। सो यस, नाउ आई विल अप्लाई दिस। सो लिपस्टिक इज आल्सो डन एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ दिस मेकअप लुक। I will also use a setting spray. If you have one, you can use. अगर आपके पास नहीं है तो आप skip कर दीजिएगा. But उससे क्या होता है आपका makeup last करता है और जितने भी products हैं वो काफी ही reasonable हैं, budget friendly है. So you can get your hands on this. So this is from the brand NY Bae. And okay, now I'll apply this. Oh, it has a very strong smell. Hey guys, so this is the complete makeup look. I hope आप लोगों को पसंद आया हो ये makeup look. ये खाली teenagers के लिए नहीं है, आप में से कोई भी इस makeup को कर सकता है, but teenagers इसे आराम से कर सकते हैं. So yeah, make sure if you like this, you definitely share it with all your friends, so that उनके लिए makeup करना काफी easy हो जाएगा. और अगर आप लोगों को पसंद आए तो do give it a thumbs up. For the next time, stay positive, keep everyone happy around you, and stay safe. Bye bye.